Hello children, welcome to Asa Education. Aaj hum kar rahe hain chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. History book grade 9 se. Ye jo hamara chapter hai, isme hum jo sabse pehla topic le rahe hain, wo hai the age of social change. Yani wo daur, wo zamana jab samajik badlav aa raha tha. जो पहला चैप्टर था जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उससे ये आइडिया हो जाता है कि पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक विचारधारा सी चल निकली थी जो फ्रीडम को लेकर थी और इक्वालिटी को लेकर थी. इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक नई पॉसिबिलिटी जनरेट हो गई थी कि अब जिस तरह से हमारी सोसाइटी बनी हुई थी उसमें बदलाव किया जा सकता है. हमने जैसे पहला भी पढ़ा हुआ था कि जो 18th सेंचुरी थी उससे पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी, और जो एरिस्टोक्रेसी होती है यानी जो नोबिलिटी होती है, हाई उसके फैमिलीज के जो लोग होते हैं वो, और जो चर्च था वही अभी तक इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करता था. लेकिन जैसे ही रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद ये पॉसिबिलिटी आ गई कि इस कंट्रोल को जो कि अभी एरिस्टोक्रेसी या चर्च के हाथ में है इसको चेंज किया जा सकता है. बहुत सारे हिस्सों में दुनिया के जिसमें यूरोप और एशिया दोनों शामिल थे, अब नए आइडियाज इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं उनको लेकर, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके जो अधिकार हैं उनको लेकर, साथ ही साथ अब सोशल पावर जो है वो कौन कंट्रोल करेगा इस बात को लेकर अब डिस्कशंस शुरू हो गए थे. इंडिया के अंदर राजा राम मोहन रॉय और डेरिजियो जो थे वो जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसकी क्या इम्पोर्टेंस रही उसके बारे में बातें कर रहे थे. साथ ही साथ बहुत से ऐसे भी लोग थे जो उन आइडियाज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जो इस रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में एक तरह से फ्लरिश कर रहे थे. भाई जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका तो अब उसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में कैसे आइडियाज जनरेट हो रहे हैं उसके बारे में भी बहस हो रही थी. जो डेवलपमेंट्स थे कॉलोनीज में, अब उन्होंने जो है इस तरीके के जो सामाजिक बदलाव आना था उसके जो विचार थे उनको एक तरह से दोबारा हम शक्ल देने जा रहे थे. यूरोप के अंदर भी हर कोई ऐसा नहीं था जो पूरी तरीके से सोसाइटी में चेंज चाहता था, तो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस आ रहे थे जिसमें कुछ लोग जो है ये मानते थे कि हाँ बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन वो ये चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव आए. कुछ उसमें ऐसे थे जो पूरी तरीके से सोसाइटी को कम्प्लीटली बदल देना चाहते थे. तो इसमें दो तरीके के लोग थे, एक कंजर्वेटिव्स थे, दूसरे लिबरल्स या रेडिकल्स थे. अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका एक्चुअल में मतलब क्या था, क्या ऐसी वजह रही जिससे ये जो पॉलिटिक्स थी उसमें कुछ लोग साथ में थे कुछ लोग अलग थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये लोग आपस में साथ में जुड़े हुए थे, ये चीज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. साथ ही साथ हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो भी हम इन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजर्वेटिव्स का, लिबरल्स या रेडिकल्स का, इनका हर वक्त हर समय एक ही मीनिंग नहीं है. तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम यही मेन देखेंगे कि किस तरीके से 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे उनका क्या हुआ, कैसे उनकी वजह से बदलाव आया. साथ ही साथ एक और बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई जिसमें पूरी तरह से कोशिश करी जा रही थी सोसाइटी को बदलने की. ये जो रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर, इसके बाद से जो समाजवाद होता है, सोशलिज्म होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था और पावरफुल आइडियाज जो हैं वो फिर से फ्लो करने लग गए थे कि एक सोसाइटी को फिर से नई शक्ल देनी है 20th सेंचुरी के अंदर. अब हम बात करते हैं लिबरल्स की, रेडिकल्स की और कंजर्वेटिव्स की. एक ग्रुप था जो चेंज करना चाहता था सोसाइटी को, वो थे लिबरल्स. लिबरल्स जो है एक ऐसा नेशन जो है चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन्स जो है उनको जगह मिल जाए. हमें एक बात याद रखनी है कि इस टाइम पे जो यूरोपियन स्टेट्स थे उनमें जनरली भेदभाव था, क्योंकि कोई एक रिलीजन को फेवर करता था कोई दूसरे रिलीजन को. जैसे ब्रिटेन था वो फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च के फेवर में थे. लिबरल्स जो है इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि ये जो डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं, यानी कि फैमिली में ही मेंबर्स जो है एक के बाद एक राजा बनते हैं, उनकी जो एक अनकंट्रोल्ड पावर है जिसकी पावर की कोई सीमा नहीं है, उसका भी वो विरोध कर रहे थे.
उनका ये मतलब था, वो ये चाहते थे कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनको किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो ये चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो, एक हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, लॉज जो हैं वो बहुत अच्छी जुडिशरी के हाथों चली जाएं, जो कि रूलर्स और ऑफिशियल्स से पूरी तरह से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उनका कंट्रोल ना हो उस पे। पर ये लोग जो है डेमोक्रेट्स नहीं थे, यानी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं रखते थे कि हर एक को वोट डालने का हक है, इसमें विश्वास नहीं करते थे। ये सिर्फ ये सोचते थे कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार है। इवन ये लोग ये भी नहीं चाहते थे कि जो विमेन है वो वोट डालें। इनसे जो बिल्कुल ऑपोजिट थे वो रेडिकल्स थे। रेडिकल्स जो है एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी पर बेस्ड हो। बहुत से लोग जो है ये वुमेन से जो अपने रिवोल्ट हो रहे थे, उनके जो आंदोलन चल रहे थे कि हमें भी जो है एक हक मिलना चाहिए, उसके सपोर्ट में थे। लिबरल्स के जैसे नहीं, ये लोग जो है जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, उनके खिलाफ थे कि उनको जो सुविधाएं मिल रही थी। साथ ही साथ ये उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन हाँ इनको ये नहीं पसंद था कि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के ही हाथों में चली जाए। कंजर्वेटिव्स जो थे वो पूरी तरह से रेडिकल्स और लिबरल्स के अगेंस्ट थे, यानी बिल्कुल ही उनके ऑपोजिट थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जबकि कंजर्वेटिव्स जो होते हैं, कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो परंपरावादी होते हैं, उन्होंने अपने को एक तरह से विचारधारा थोड़ी सी उन्होंने चेंज करी थी और इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि हाँ बदलाव की जरूरत है। शुरुआत में 18 सेंचुरी के कंजर्वेटिव्स जो है पूरी तरह से बदलाव के विरोध में थे, लेकिन 19 सेंचुरी तक आते आते उन्होंने माना कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज जरूरी है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो पास्ट है उसकी भी इज्जत करो और जो नया है चेंज उसको लाओ, लेकिन धीमे धीमे लाओ। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या कह सकते हैं, जो भी सोशल और पॉलिटिकल कंफ्यूजन था जिसकी वजह से ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें भी आइडियाज ऐसे थे सोसाइटी को चेंज करने को लेकर जो आपस में क्लैश कर रहे थे। बहुत सारी कोशिशें करी गई थी इस रेवोल्यूशन के लिए या जो नेशन है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 19 सेंचुरी में, जिसकी वजह से बस हाँ इतनी मदद मिली कि जो भी हमारी पॉलिटिकल धारणाएं थी उसमें क्या लिमिट्स हैं, क्या उसका कैलिबर है, इसको समझने में काफी ज्यादा इन चीजों से मदद मिली। ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, ये एक तरह से जो नया जमाना आने जा रहा था उसके सिग्नल्स होते हैं, जैसे उनकी मार्किंग्स थी कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि अब जो है नया टाइम आने वाला है। ये वो टाइम था जब बहुत ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए। इस टाइम पे नई सिटीज डेवलप हो रही थी और इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, तो एक तरह से सब तरफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रीज की वजह से चाहे मेन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, ये सब के सब फैक्ट्रीज में आने लग गए थे। जो काम करने के घंटे थे वो काफी ज्यादा थे और जो वेतन मिलता था वो बहुत कम था। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा कॉमन था, मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, खास तौर से उस टाइम पे जब जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं इनकी डिमांड बहुत कम होती थी। ना घर की प्रॉपर व्यवस्था थी, ना साफ सफाई की बहुत ज्यादा व्यवस्था थी, तो इस वजह से टाउन्स जो है वो जो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे उनमें ये सब समस्याएं ज्यादा खड़ी हो रही थी। अब जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे वो जो है इन इश्यूज को लेकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी ही प्रॉपर्टीज थी। लिबरल्स और रेडिकल्स खुद भी जो है बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स थे या एम्प्लॉयर्स थे, यानी वो लोग जो है लोगों को काम पर रखते थे। इन लोगों ने जो अपनी वेल्थ बनाई थी, अपनी संपत्ति बनाई थी, वो आइदर ट्रेड से या इंडस्ट्रीज के थ्रू काम करके बनाई थी। तो उनका ये मानना था कि इस तरह की जो कोशिश है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे उसका जो फायदा है वो पूरी तरह से लिया जा सकता है। अगर जो वर्कफोर्स है, यानी जो काम करने वाली जो हमारे लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, वो अच्छे स्वस्थ होंगे या सिटीजन जो है पढ़े लिखे होंगे, तो हम जो है सिटीज को डेवलप कर पाएंगे। वो लोग पूरी तरह से इस चीज के खिलाफ थे कि जो पहले की एरिस्टोक्रेसी थी उनको जो सुविधाएं दी जाती थी बर्थ से, उसके ये पूरी तरह से अगेंस्ट थे। इनका ये मानना था कि जो इंडिविजुअल होता है उसका खुद की जो कोशिश है, लेबर है या जो एंटरप्राइज है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दे दिया जाए, यानी जो पुअर है वो गरीब जो है वो मजदूर की तरह काम करे और जिनके पास पैसा है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सही से काम को करवा सके, तो सोसाइटीज बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। बहुत सारे जो वर्किंग मेन और वुमेन थे वो
जो चेंजेस चाहते थे दुनिया के अंदर वो इन्हीं लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के आसपास घूम रहे थे और या उन पार्टीज के शुरुआत की जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर। कुछ नेशनलिस्ट लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो इसलिए और रेवोल्यूशन चाहते थे, इसलिए और क्रांति चाहते थे ताकि जिस तरह की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थी यूरोप के अंदर 1815 में उसको खत्म किया जा सके। फ्रांस, इटली, जर्मन, रशिया ये सब जो है क्रांतिकारी हो गए थे और पूरी तरह से काम कर रहे थे कि जो लोग राजा लोग हैं उनको हटाया जाए। जो नेशनलिस्ट लोग थे वो रिवॉल्यूशन की इसलिए बात करते थे ताकि एक ऐसा नेशन बनाया जाए जहां पर सारे सिटीजंस जो है उनकी बराबर की अधिकार हो, बराबर की राइट्स हो। 1815 के बाद ग्यूसेपी मेजिनी जो थे वो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो है और लोगों के साथ षड्यंत्र रचकर इसको अचीव किया इटली के अंदर। जो नेशनलिस्ट और बाकी लोगों जगह थे, खासतौर से इंडिया के लोग भी इसमें इंक्लूडेड थे, उन्होंने इनकी राइटिंग्स को पढ़ा था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट विजन था सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर करी जाए, कैसे बनाई जाए, वो था सोशलिज्म। मिड 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर सोशलिज्म जो है एक ऐसी बॉडी बन गई थी विचारधारा की जिसने पूरी लोगों का जो ध्यान था वो अपनी तरफ खींचा था। जो सोशलिस्ट थे वो पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और ये मानते थे कि अब तक जितनी भी परेशानियां रही हैं उसकी जड़ यही रही है। क्यों? इंडिविजुअल्स जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो लोग काम देते थे, उनका क्या चक्कर था कि वो लोग प्रॉपर्टी जो है उनकी सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही वो यूज करते थे, ना कि दूसरे लोगों की भलाई के लिए, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी थी पल फूल रही है, उन लोगों की भलाई का नहीं सोचते थे। तो एक सोसाइटी अगर पूरे तौर पे बजाय सिंगल इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, सब लोग जो है सोसाइटी एज अ होल उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें, तो इस बात पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाने लग गया कि पूरे सामाजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो है सोसाइटी का इस्तेमाल किया जाए, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाए। सोशलिस्ट जो है इस बदलाव को चाहते थे और इसी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। मतलब ये है कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टीज है वो किसी एक ही के हाथ में या कम लोगों के हाथ में रहे, वो ये चाहते थे पूरे समाज में वो प्रॉपर्टी का इस तरह से एक शेयरिंग करी जाए, एक इस तरह से उसको डिवाइड किया जाए कि जो लोग हैं उनको जो है उससे फायदा हो। अब बात एक थी कि अगर सोसाइटी में जो है प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो चलेगी कैसे, इस सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या रहेगा। सोशलिस्ट जो थे उनका बहुत ही अलग विजन था फ्यूचर को लेकर। कुछ जो है इस आइडिया में बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। रॉबर्ट ओवन जो है एक ऐसे ही इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने सोचा कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जाए, जिसका उन्होंने नाम दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यानी यूएसए के अंदर। बहुत से और जो सोशलिस्ट थे वो ये मानते थे कि कोऑपरेटिव जो है उनको जो है बहुत एक इंडिविजुअल के बेसिस पे बहुत वाइड स्केल पे नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो इन कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे। फ्रांस में लुइस ब्लैंक थे, उन्होंने ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे और ये जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस होती है इनको जो है रिप्लेस कर दिया जाए। ये जो कोऑपरेटिव्स होंगे ये लोगों की एक एसोसिएशन होगी जो लोग साथ मिलकर चीजों को बनाएंगे और फिर उससे जो भी प्रॉफिट आएगा उसको बराबर बराबर या जैसे भी काम होता है उसके हिसाब से मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। अब ये जो विचारधारा थी इसको लेकर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे उन्होंने और भी कुछ विचार बताए। मार्क्स का ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है वो एक कैपिटलिस्ट है, मतलब कैपिटलिस्ट जो है उनके पास जो है वो कैपिटल ले लेते हैं, वो पूरा पैसा ले लेते हैं, क्योंकि वही लोग जो है फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है इन कैपिटलिस्ट का वो मेनली किससे बनता है, वर्कर्स द्वारा। तो कंडीशंस वर्कर की वो तब तक नहीं सुधर सकती जब तक ये जो पूरा का पूरा मुनाफा है ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में होगा। वर्कर्स को इस कैपिटलिस्ट को हटाना होगा या ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राज चल रहा है इसको हटाना होगा। मार्क्स ये भी मानते थे कि अगर आपको अपने को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से आजाद करना है तो वर्कर्स को जो है एक ऐसी रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी जहां सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो समाज द्वारा कंट्रोल करी जाएगी। इसको बोला जाएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। वो ये भी कहते थे कि वर्कर्स को जो है मानना पड़ेगा कि उनकी जो जीत है इस तरीके के जो कैपिटलिस्ट है उनके साथ, अगर उनको अपनी जीत हासिल करनी है तो इनको ये सब चीजों को हटाना बहुत जरूरी होगा। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वही हमारी सोसाइटी का एक नेचुरल जो सोसाइटी है उसका फ्यूचर है। 1870 तक आते आते ये जो सामाजिक विचार थे ये पूरे यूरोप में फैलने लग गए। इस
कोशिश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब सोशलिस्ट ने जो है एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म कर ली जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी ने अब उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन फॉर्म्स करनी शुरू कर दी ताकि वो लड़ सके एक अपने अच्छे लिविंग के लिए और अपनी अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए। उन्होंने फंड्स इकट्ठे करे ताकि उन लोगों की मदद करी सके जो कभी परेशानी में होते हैं, या फिर उन्होंने जो वर्किंग आवर्स थे और जो उनकी राइट टू वोट है उसकी जो डिमांड थी उसको करना शुरू कर दिया कि भाई वर्किंग आवर्स जो है उनको कम किया जाए और उनको भी जो है वोट डालने का हक दिया जाए। जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थी ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही थी और उसलिए उनको मदद करी कि वो जो है पार्लियामेंट में सीट्स भी जीत पाए। 1905 में सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियंस थे उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन के अंदर और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस के अंदर। अभी टिल 1914 कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट थे वो कभी भी जो है गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में कामयाब नहीं रहे थे, लेकिन जब काफी स्ट्रॉन्ग फिगर्स जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ गई जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके जो आइडियाज थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जब अच्छी स्ट्रॉन्ग फिगर्स आई तो एक वाकई में लेजिस्लेशन को एक शेप मिली। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या थी, जो गवर्नमेंट थी वो किसके हाथों में थी, कंजर्वेटिव्स के हाथ में, लिबरल्स के हाथ में और रेडिकल्स के हाथ में। इसके बाद आता है रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।